सीरियल ये है चाहते में, अब लगता है कुछ दिनों तक चाहतों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वो क्या है ना कि रुद्र और प्रिशा ने अपने गिले शिकवे भुलाकर वन बिग हैप्पी फैमिली होने का ठान लिया है। कम से कम इस दृश्य को देखकर तो ऐसा ही लगता है। चलिए ये अच्छा हुआ, शादी होने से पहले ही रुद्र को ये समझ में आ गया कि प्रिशा उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अब रेवती ने जो चाल चली थी रुद्र के जूस में कुछ ऐसा मिला देने की जिसके पीते ही रुद्र को प्रॉब्लम हो जाए और फिर इसका पूरा इल्ज़ाम प्रिशा पर आ जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, रुद्र ने प्रिशा को खूब सारी बातें सुनाई लेकिन जब उसे पता चला कि इसमें प्रिशा की कोई गलती नहीं है तब देखिए कैसे तुरंत वो जाकर प्रिशा से माफी मांगने लग गया। भूल गया सब कुछ, भूल गया तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, सबको नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें समझने की जगह इल्जाम लगाया, बुरा भला बोला, इसने क्या क्या किया, मैंने गुस्से में अन्ना हो गया था। अब थोड़ा सा कुछ चाल मेरी अब थोड़ी बदलनी पड़ेगी मुझे, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें कुछ असर नहीं कर रही है, सो लेट्स सी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि बिना जाने समझे उसने कितनी बातें सुना दी प्रिशा को। अब रुद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो भला प्रिशा क्यों ना उसे माफ़ करे। वैसे प्रिशा तो कभी रुद्र से नाराज थी ही नहीं। कितना खुश ऐसे खुश। बहुत दुख हो रहा है। एक तो इतने एफर्ट्स ले रही हूँ मैं उन दोनों को अलग करने के, और पता नहीं अजीब सी फैमिली है, जितनी कोशिश कर रही हूँ उनको अलग करने की उतने ही वो सब करीब आ रहे हैं, तो मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। तो फाइनली अब रुद्र और प्रिशा एक हो गए हैं। इस सारांश और रूही को भी उनके मम्मी पापा एक बार फिर से मिल गए हैं। अब हैप्पी फैमिली तो ये है ही, लेकिन इसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि शादी एकदम ठीक ठाक से निपट जाएगी तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर शादी में ट्विस्ट जरूरी होता है, ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। तो रेवती है ना इनकी शादी में ट्विस्ट लाने के लिए। हाँ, मेन फंक्शन बाकी है तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, मेन फंक्शन में तो होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही धमाका, बस वेट कर रहे हैं। अब बैंड बजाने के लिए तो आई हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी मैं, कुछ करके तो जाऊंगी ना। तो भाई रुद्र और प्रिशा, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आगे मुसीबत अभी खड़ी है, टली नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।